और अब एक ऐसी खबर जिसने खुफिया एजेंसियों के हाथ पांव फुला दिए, देश में केमिकल अटैक को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। ईटीएस ने खुलासा किया है कि केमिकल अटैक की फिराक में थे ये आरोपी और इनके तार आतंकी संगठन आईएसआईएस से जुड़े हो सकते हैं। महाराष्ट्र एंटी टेररिस्ट स्क्वाड ने दो दिन पहले औरंगाबाद और ठाणे से इन नौ संदिग्धों को गिरफ्तार किया था। परसों देर रात हुई छापेमारी में इनके कब्जे से एसिड, केमिकल पाउडर और धारदार हथियार मिले थे। कल इनको कोर्ट में पेश किया जाएगा। एटीएस ने दावा किया है कि ये सभी बेंगलुरु के संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के सदस्य हैं और आईएस मॉड्यूल पर काम कर रहे थे। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।